हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? क्लास 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर का बचा हुआ पार्ट लेके आए हैं। क्वांटम नंबर्स, आज डिस्कस करने वाले हैं तीसरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, इसका सिंबल होता है स्मॉल m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल m। ये बताती है हमें ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। उसके बाद हमें बताती है टाइप ऑफ ऑर्बिटल। उसके बाद हमें बताती है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तीन चीजें बताती है। क्लियर है? शेप वगैरह मैं डिस्कस कर चुका हूँ एजीमथल क्वांटम नंबर में। अगर हम बात करें नंबर की, टाइप की बात करते हैं सबसे। टाइप ऑफ ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं भैया? चार टाइप के, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। क्योंकि हमें पता है किसी भी एटम में ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट्स। इनके अंदर होते हैं सब शेल्स, ऑर्बिट्स को शेल भी बोला जाता है। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होती है। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होती है। मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर को जरूर देख लेना। सब शेल्स के लिए होती है स्मॉल l, एजीमथल क्वांटम नंबर। उनके अंदर होते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स के लिए होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल n। और लास्ट में होती है स्पिन क्वांटम नंबर, जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जज करती है। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑर्बिटल से रिलेटेड जो क्वांटम नंबर है स्मॉल m। सोचो खुद से, ऑर्बिटल कितने टाइप के होंगे? जितने टाइप के सब शेल होंगे। सब शेल चार टाइप के होते हैं, कौन कौन से? s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल और f सब शेल। सब शेल कितने टाइप के होते हैं? चार टाइप के। इन चारों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए l की वैल्यू है 0, s सब शेल 1, p सब शेल 2, d सब शेल 3, f सब शेल। क्लियर है? तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल, एस सब शेल में जो ऑर्बिटल मिलता है उसको एस ऑर्बिटल बोला जाता है, पी सब शेल वाले ऑर्बिटल को पी ऑर्बिटल बोला जाता है, डी सब शेल वाले ऑर्बिटल को डी सब शेल बोला जाता है और एफ सब शेल वाले ऑर्बिटल को एफ सब शेल बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं शेप की, तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो कैसा होता है? स्पेरिकल शेप का होता है। क्लियर है? पी ऑर्बिटल कैसा होता है? पी ऑर्बिटल डंबेल शेप का होता है। कैसा होता है? डंबेल शेप का होता है, जिसमें दो लोब्स होती हैं। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस तरह दिखाई जाती है। डी ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डंबेल शेप का होता है, इस तरह से डबल डंबेल शेप का। न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल डंबेल पाथ में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। और ये कॉम्प्लिकेटेड शेप, इसकी पढ़नी नहीं है तो सीधी सी बात लिख देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। तो इस तरह से पाई जाती हैं शेप्स। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ दो लोब्स होती हैं, पी में, डी में चार लोब होती हैं, एफ में 8 लोब्स होती हैं। बट स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, हमारी सिलेबस में नहीं है। सो वी डोंट वरीड अबाउट द शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल्स। क्लियर है? इसके बाद बात करें नंबर की, कि ऑर्बिटल कितने होते हैं। तो एक बात बताओ, ऑर्बिटल किसमें? सब शेल्स। तो ऑर्बिटल का नंबर सब शेल में भी निकालेंगे और ऑर्बिटल का नंबर शेल में भी निकालेंगे। शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं और सब शेल में कितने ऑर्बिटल, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। लेकिन जो बेसिक चीज है वो समझो, किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस प्रिंसिपल के हिसाब से नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल का फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल्स अगर हमें निकालने हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम बताएं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपॉन टू। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना भाई। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके आधे ऑर्बिटल होंगे। मान लो अगर 10 इलेक्ट्रॉन हुए कहीं पर, तो वहां पर ऑर्बिटल 5 प्रेजेंट होंगे ना। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना मैक्सिमम, उसके आधे ऑर्बिटल होंगे। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला।
नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के दो फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेबल है इन इन शेल, शेल में कैसे निकालते हैं, और फिर दूसरा इन सब शेल, इन सब शेल। क्लियर? शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, सोचने वाली बात है। देखिए शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आधे। तो शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला सबको पता है, 2n2। तो ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 2n2/2। सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2l+1×2, जहां l, या देखो यहां n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और शेल नंबर, जिस शेल की बात हो रही है उसका नंबर यहां रखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और ये l क्या चीज है, ये सब शेल को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। l की वैल्यू 0s, l की वैल्यू 1p, l की वैल्यू 2d, इस तरह से। जिस सब शेल में आपको मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालने हैं उसके लिए l की वैल्यू यहां रखो, और जिस शेल में निकालने उसके लिए एल की वैल्यू यहाँ। तो एन क्या है, शेल नंबर, शेल नंबर, और एल क्या है, सब शेल को बताता है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, कितने होंगे, फॉर्मूला बनेगा n2, इसको लगा लो, इसको अप्लाई कर लेते हैं चार तक, ठीक है। तो एन की वैल्यू 1 पहला शेल, एन की वैल्यू 2 दूसरा शेल, एन की वैल्यू 3 तीसरा शेल, एन की वैल्यू 4 चौथा शेल। पहले शेल में कितने ऑर्बिटल, पहले शेल में ओनली एक ऑर्बिटल, एट बॉन्ड्स, एस ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। दूसरे शेल में, दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल, दूसरे शेल में होते हैं हमारे पास 4 ऑर्बिटल, एक एस होता है और 3 p के होते हैं। तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल, तीसरे शेल में होते हैं 9 ऑर्बिटल, ठीक है। एक एस का होता है, 3 p के होते हैं और 5 d के होते हैं, एक एस का 3 p के और 5 d, दिख रहा बराबर ही, ठीक है। एन की वैल्यू 4 तो 16 ऑर्बिटल, एक एस का 3 p के, 5 d के और 7 f के। मैक्सिमम ऑर्बिटल किसी शेल में 16 ही हो सकते हैं, पांचों में भी 16 ही होंगे, ठीक है। इन सब शेल, इन सब शेल, सब शेल में कैसे निकलेगा फॉर्मूला, इसको 2 से डिवाइड कर दो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला जो होता है उससे 2 से डिवाइड कर दिया, तो फॉर्मूला क्या बना, 2l+1। इसको लगा के देखते हैं अपन, इसको अपन लगा के देखते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अलग 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 सब शेल में इसको अप्लाई करके देख, अलग 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 सब शेल में इसको अप्लाई करके देख, देखो एस पी डी और एफ, एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 3, क्लियर। एस एक ऑर्बिटल, पी 3 ऑर्बिटल, इसमें रखता जा रहा हूँ मैं, एल की वैल्यू क्या रखी है इस फॉर्मूले में, 0 तो 1 बचेगा, 1 रखा 3 आ जाएगा, 3 ऑर्बिटल, 2 रखेंगे 5 ऑर्बिटल, और एफ में कितने होंगे, 7 ऑर्बिटल, 7। इस तरह से ऑर्बिटल निकालते हैं, ठीक है। तो किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, फॉर्मूला अलग है, शेल में अलग। अब देखो शेल के अंदर क्या है, शेल के अंदर सब शेल है और उसके अंदर ऑर्बिटल। तो पहले शेल में एक ही सब शेल होता है एस, पहले शेल में एक ही सब शेल होता है, उसका एक ही ऑर्बिटल हो रहा है, एक आ रहा है। दूसरे शेल में कितने सब शेल होते हैं, 2 एस और पी, तो एस और पी के ऑर्बिटल मिला के हो गए 4, तो दूसरे शेल में 4 ऑर्बिटल आ गए। तीसरे शेल में 9 ऑर्बिटल इसलिए आते हैं क्योंकि तीसरे शेल में 3 सब शेल आ जाते हैं, डी के 5, पी के 3 और एस का 1। सब शेल में चाहिए तो ये फॉर्मूला है, ऑर्बिटल निकालने के शेल में चाहिए तो ये फॉर्मूला है, लेकिन कोरिलेट भी तो करना पड़ेगा ना दोनों फॉर्मूले को, सेटिस्फाइड भी तो करना पड़ेगा कैसे। और चौथे शेल में 4 सब शेल होते हैं तो 16 हो जाते हैं ऑर्बिटल टोटल, सॉरी, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब अपन डिस्कस करेंगे ओरिएंटेशन, लास्ट पॉइंट, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फिनिश हो जाएगी, फिर देन स्पिन क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वांटम नंबर की ओरिएंटेशन बताना, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑर्बिटल पोजीशन इन थ्री डायमेंशन, इन 3D। ऑर्बिटल की पोजीशन क्या है थ्री डायमेंशनली, उसको ओरिएंटेशन बोला जाता है। और
जितनी पोजीशंस बन सकती हैं उतने ही ओरिएंटेशन होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन जो होते हैं, ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, अपॉन वैल्यू ऑफ एल। एल क्या है? एल है कि जीरो है तो एस की बात हो रही है, अगर एक है तो पी की बात हो रही है, दो है तो डी की बात हो रही है, और तीन है तो एफ की बात हो रही है। ये सब शेल्स हैं, ठीक है। विनी के अंदर जो ऑर्बिटल है उनका नाम भी यही होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन एल पर डिपेंड करते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ओरिएंटेशन निकालने का फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन इक्वल टू, इसको एम एल कहते हैं, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन को एम एल बोला जाता है, इक्वल टू होगा माइनस एल टू प्लस एल कह दो चाहे तो, या प्लस एल से माइनस एल टू, दोनों ही फॉर्मूले सही। क्लियर है? नंबर ऑफ ओरिएंटेशन ऐसे निकलते हैं। किसी सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उतने उनके उतने ही ओरिएंटेशन होते हैं। मतलब जैसे एस सबशेल में एक ऑर्बिटल है तो एक ही ओरिएंटेशन आया जैसे फॉर्मूले से, चेक कर लेना। पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल है तो तीन ओरिएंटेशन बनेंगे। डी सबशेल में पांच ऑर्बिटल है तो पांच ओरिएंटेशन बनेंगे। और एफ सबशेल में सात ऑर्बिटल है तो सात ही ओरिएंटेशन बने। कितने बनेंगे? सात ही ओरिएंटेशन बनेंगे। क्लियर है? तो अब इस फॉर्मूले को मैं आपको लगाना सिखाता हूँ। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन एम एल माइनस एल से लगा के प्लस एल। सबसे पहले बात करते हैं एस ऑर्बिटल्स की। तो एस ऑर्बिटल्स किस सबशेल में होते हैं? एस में तो एल की वैल्यू जीरो रखनी पड़ेगी, तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बनेंगे माइनस जीरो से लगा के प्लस जीरो, ठीक है। इसका मतलब जीरो ही होता है, मतलब एक वैल्यू बनेगी सिर्फ, यानी एक ऑर्बिटल होगा। क्लियर है? एक ऑर्बिटल होगा और इसके लिए सिर्फ एक ओरिएंटेशन होगा, वो है जीरो, ये एस ऑर्बिटल है। सेकंड की बात करेंगे पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो पी ऑर्बिटल मतलब एल की वैल्यू वन रख करके हमें ओरिएंटेशन मिलेंगे ना, क्योंकि पी ऑर्बिटल पी सबशेल में होते हैं। तो जिस सबशेल में ऑर्बिटल है उसी के लिए जो वैल्यू है एल की वैल्यू वो रखनी पड़ेगी आपको फॉर्मूले में। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी? माइनस वन से लेके और प्लस वन तक, मतलब तीन वैल्यूज बनेंगी। पहली माइनस वन, जीरो, प्लस वन, ये उल्टा भी हो सकता है, मतलब प्लस वन जीरो माइनस वन भी पॉसिबल, और ये पॉसिबल वैल्यूज है। इस बॉक्स के लिए माइनस वन भी पॉसिबल है, जीरो भी पॉसिबल है, तीनों बॉक्स के लिए इक्वल पॉसिबल वैल्यूज हैं ये। क्लियर है? इक्वल पॉसिबल वैल्यूज, ये ध्यान रखना। अपन सिर्फ एक बार एक फिक्स कर देते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए ओरिएंटेशन चाहिए भैया, तो एल की वैल्यू दो रख के देखूंगा, तो एम एल की वैल्यू पाँच बनेंगे, यानी फाइव ऑर्बिटल्स बनेंगे हमारे। एम एल की वैल्यू कितनी बनेंगी? माइनस टू से प्लस टू, बीच में माइनस वन जीरो प्लस वन भी पड़ेगा, उल्टा भी हो सकता है प्लस टू से माइनस टू, ये सब पॉसिबल वैल्यूज है। क्लियर? पॉसिबल वैल्यूज, अगर एल की वैल्यू टू है तो पॉसिबल वैल्यूज पाँच बनेंगे, एल की वैल्यू वन है तो तीन बनेंगे, एल की वैल्यू जीरो तो एक बनेंगे। और लास्ट फाइनल है हमारा एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल में पॉसिबल वैल्यूज कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? एल की वैल्यू अपन थ्री रखेंगे, एल की वैल्यू क्या रखेंगे? थ्री रखेंगे। तो एम एल की जो वैल्यूज बनेंगी वो माइनस थ्री से लगा के प्लस थ्री तक बनेंगी, मतलब कितने ऑर्बिटल बनेंगे हमारे? सेवन ऑर्बिटल बनेंगे। दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं दिख रहा। तो इसको बना देता हूँ मैं इधर, ओरिएंटेशन एफ का। तो एफ के लिए ओरिएंटेशन सेवन हूँ और ये सेवन, माइनस थ्री से प्लस थ्री तक, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन और प्लस टू, ये एम एल की वैल्यूज होगी। तो इस तरह से अपन पहचानते। अब हमको ये पता है इस बॉक्स का ओरिएंटेशन इससे अलग है। ओरिएंटेशन से हमें क्या पता चलता है? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन सजेस्ट, सजेस्ट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो पता चलता है कि हाँ ये ऑर्बिटल थ्री डायमेंशन में अलग जगह लोकेटेड है, ये अलग है, सब अलग अलग लोकेटेड, ठीक है। एग्जैक्टली एड्रेस ही, अगर एल की वैल्यू देखेंगे तो सब ऑर्बिटल के लिए तीन आएगी ना, और एल की वैल्यू तो इनमें आपस में फिर क्या डिफरेंस है? वो एम एल की वैल्यू से पता चलता है। एल की वैल्यू वन आएगी तीनों डब्बों के लिए, लेकिन आपस में डिफरेंस एम एल की वैल्यू से पता चलता है। क्लियर हो रहा है? तो ये होता है ओरिएंटेशन, नोट कर लो। तो दिस इज होल अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड लास्ट हम मूव करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट जो हमारी क्वांटम नंबर है फोर्थ, वो है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर।
स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये एक्चुअली में एस से रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट होती है, एस से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो दो तरीके की स्पिन करता है, टू टाइप ऑफ स्पिन अराउंड न्यूक्लियस, प्लस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन दो तरीके की स्पिन करते हैं। पहली को बोलते हैं क्लॉकवाइज स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन, और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। देखिए ये बॉक्स एक ऑर्बिटल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली ये माना जाता है कि क्लॉकवाइज स्पिन बुक्स में ये सजेस्ट किया हुआ है, क्लॉकवाइज स्पिन को अपवर्ड डायरेक्शंस दिखाया जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज को डाउनवर्ड डायरेक्शन से दिखाया जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन से दिखाया जाता है। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब है ये, और डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब है ये नहीं है, ये अपवर्ड उल्टा भी हो सकता है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज से दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है, बट मैक्सिमम ये इस असाइन रहता है बुक। अगर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा हुआ है तो अपवर्ड, और ऐसे लिखा हो तो डाउन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है। न्यूक्लियस इसके चारों तरफ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरह से, और डाउनवर्ड है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कैसे, ऐसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और एंटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हमें यह पता चल जाता था कि ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है, सब शेल्स में, सब शेल्स के लिए एल की वैल्यू थी, ऑर्बिटल्स में एम एल की वैल्यू थी, स्पिन क्या बोलते ऑर्बिटल्स के लिए एन की वैल्यू थी। यहाँ स्पिन में डिफरेंस करने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर दी जाती है। अगर अपवर्ड स्पिन है तो एस की वैल्यू होती है प्लस वन बाई टू, ये ध्यान रख, और अगर डाउनवर्ड स्पिन है तो माइनस वन बाई टू, वन बाई टू तो कॉमन ही है दोनों में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, भाई तुम घूम रहे हो क्लॉकवाइज तो भी तुम्हें उतना ही वर्क करना पड़ रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो भी उतना ही वर्क करना पड़ रहा है, वर्क तो सेम ही करना पड़ रहा है, चाहे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो हाफ हाफ तो आ ही रहा है, डायरेक्शन में फर्क है इसलिए साइन चेंज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो प्लस माइनस साइन आ रहा है, अपोजिट साइन आ रहा है, क्लियर है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर और आता है पॉइंट, टोटल स्पिन का पॉइंट, उसको नोट कर लो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है टोटल स्पिन का पॉइंट, टोटल स्पिन, व्हाट अबाउट टोटल स्पिन, टोटल स्पिन के बारे में अपन क्या सोचते हैं और किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसको बोलते हैं पेयर्ड सिस्टम, इन्हें बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं इनको, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक बॉक्स में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, अगर पेयर इलेक्ट्रॉन है, इफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देन टोटल स्पिन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो, टोटल स्पिन जीरो हो जाती है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्यों भाई, क्योंकि सीधी सी बात है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन एस वन मान लेते हैं प्लस हाफ है, अपवर्ड वाले की प्लस हाफ होगी, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिन है एस टू माइनस हाफ, तो टोटल स्पिन क्या होगी, दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आएगी टोटल एस वन प्लस एस टू, तो एस वन की वैल्यू हाफ है और एस टू की वैल्यू माइनस हाफ है, तो मेरे हिसाब से तो हाफ माइनस हाफ को जीरो ही बोलते हैं, ठीक है, तो टोटल स्पिन क्या होती है, जीरो। जब भी पेयर्ड सिस्टम की बात होगी तो टोटल स्पिन जीरो, बट अनपेयर्ड सिस्टम की बात होगी, जैसे एक ही सिस्टम है हमारे पास, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तीनों अनपेयर्ड है ना, तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, क्लियर है, तो स्पिन क्या होगी, इसकी प्लस हाफ हो जाएगी एस वन, इसकी एस टू प्लस हाफ हो जाएगी, इसकी प्लस हाफ हो जाएगी, तीनों की प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो एस टोटल क्या होगी, एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री, मतलब टोटल स्पिन क्या होगी भैया, थ्री बाई टू, ठीक है। एक तरीका और है टोटल स्पिन को निकालने का, एक तरीका है आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो तीन है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीन है ना, तो आप थ्री बाई टू लिख दो सीधा, यानी एन बाई टू, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एन हो तो टोटल स्पिन होती है एन बाई टू, ठीक है ना, इसको नोट कर लिया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एन है तो टोटल स्पिन क्या होती है, एन बाई टू। ये और मैं आपको लगा देता हूँ पॉइंट, इफ
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज एन, देन टोटल स्पिन क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला है टोटल स्पिन एच टी, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, एन बाई टू। ठीक, अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ घर के लिए, कैलकुलेट टोटल स्पिन फॉर फॉलोइंग सिस्टम। ठीक है, देख डी फाइव एफ सेवन पी थ्री एस वन डी नाइन एफ तेरह, इनके लिए निकालो इलेक्ट्रॉन भरने के तरीके। सुन लो, अगर आपको डी में इलेक्ट्रॉन भरने, पांच डब्बे लिख लो, सबसे पहले एक एक देना इलेक्ट्रॉन, ऐसे भरना सबसे पहले एक एक देना, उसके बाद बच जाते हैं तो फिर पेयरिंग करना। ठीक है, तो इस तरह से करके और फिर बताना किस तरह से टोटल स्पिन की वैल्यूज आती है, नोट कर लो।